नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। क्या आपने कभी किसी हाथी या हथनी को दुल्हन की तरह सजते हुए देखा है? हम बात करें शेखपुरा के अनारकली की। दरअसल शेखपुरा के एक किसान सूर्यमणि सिंह को उनके दहेज में अनारकली नामक एक हथनी दहेज में मिली थी, जिसकी कल निधन हो गई। अनारकली की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें अनारकली को दुल्हन की तरह सजाकर उसे अंतिम विदाई दी जा रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। शेखपुरा में अनारकली के नाम से मशहूर हथनी की सोमवार की सुबह मौत हो गई। 50 साल के अनारकली के निधन के बाद दो क्रेनों की मदद से उसे ट्रक पर लादकर मेहूस गांव लाया गया। सदर प्रखंड के मेहूस गांव से हथनी की शव यात्रा ढोल बाजे के साथ निकाली गई। हथनी की शव यात्रा में उसे 44 वर्ष अपने साथ रखने वाले किसान सूर्यमणि सिंह और उनके परिवार के साथ उसकी सेवा करने वाले फहीम तथा मेहूस के साथ आसपास के कई गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए। समूचे क्षेत्र में मात्र मेहूस गांव में ही हथनी थी। विशेष अवसरों पर लोग अनारकली को ले जाते थे। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता पाटो सिंह ने बताया, 1978 में सूर्यमणि सिंह की शादी लखीसराय जिला के दरियापुर में हुई थी। विवाह में सूर्यमणि सिंह की हथनी ससुराल में उपहार में मिली थी। तब से सूर्यमणि सिंह परिवार के सदस्य की तरह हथनी को अपने पास रखकर उसकी देखभाल करते थे। कुछ दिन पहले इस हथनी की तबीयत खराब हो गई थी, तब सूर्यमणि सिंह ने इसे पेलवान गांव के मोहम्मद फहीम को अपने घर पर रखकर सेवा करने को कहा और उसका खर्चा स्वयं सूर्यमणि वहन करते थे। सोमवार की सुबह पेलवान के गांव मिल्की चक में हथनी की मौत हो गई। हथनी की मौत के बाद दो क्रेनों की मदद से उसे ट्रक पर लादकर मेहूस गांव लाया गया। ढोल बाजे के साथ विधिवत शव यात्रा निकालकर उसे खेत में दफनाया गया। अनारकली नाम की यह हथनी समूचे क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थी। इसे देखने दूर दराज के लोग शौक से मेहूस गांव आते थे। तो देखिए, शेखपुरा के 50 वर्षीय अनारकली हथनी की कल सोमवार को निधन हो गई, जिसके बाद उस हथनी को बड़े ही अच्छे से दुल्हन की तरह सजाकर उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई और एक पास के गांव के खेत में उसके शव को दफना दिया गया। दरअसल शेखपुरा के किसान सूर्यमणि सिंह को उनके दहेज में ये हथनी मिली थी, जिसे वो अपने साथ रखा करते थे। तो चलिए, इस खबर बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।